नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार की जा रही वृद्धि के कारण आम जनता पर महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से आम लोगों का जीवन दुश्वार हो रहा है। लोगों की आमदनी कम हो रही है और खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन डैम्पियर नगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर किया। उमेश शर्मा ने कहा कि जहां विदेशों में क्रूड ऑयल कम दामों में भारत सरकार को प्राप्त हो रहा है, वहीं भारत सरकार अनाप शनाप मुनाफा कमाकर आम जनता का जीवन दुश्वार कर रही है। लगातार तेल के दामों में हो रही वृद्धि से गरीब जनता की कमर टूट रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई को काबू करने में मोदी सरकार विफल हो रही है। उमेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आम जनता, गरीब जनता के शोषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया जाएगा। मथुरा से हमारे संवाददाता ओमवीर सारस्वत की रिपोर्ट। कीमतें जिस तरीके से बेलगाम बढ़ती जा रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि डीजल इन्होंने 90 रुपए और पेट्रोल 100 के पार कर दिया है, उसको उसकी कीमतों को कम करें, अन्यथा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल डॉलर लगातार कम हो रही है और यह लोग डीजल पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाए जा रहे हैं। अगर इन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की तो कांग्रेस पार्टी माननीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करेगी, चाहे हमको जेल जाना पड़े।